हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपके इस प्रकार अकस्मात मारीच की कुटिया में आने से मन में शंका हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है ना लंकेश्वर? तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं है। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों के प्रयोग करने में कुशल हो, इसीलिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग छोड़ दिया है। छल कपट का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है। अब तो शेष जीवन कैलाशपति की आराधना और तपस्या में ही व्यतीत करने का निश्चय कर चुका हूं। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही होगे। इसीलिए हम जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, खौर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है, उसकी नाक काट कर उसे कुरूप बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उसे छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे, हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपने माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो, जिसका चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वह न निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि कोई सचमुच आपका परम शत्रु है जिसने आपको यह सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे, लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए तो ये सब कुछ भूलकर लंका वापस चले जाइए। आपके रंग महल में एक से एक सुंदर रानी है, उन्हीं के साथ आनंद का जीवन बिताइए। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा।